दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, ये कहानी है 2004 की। एडम ब्रॉन्डेज एक 26 साल का लड़का था जो क्वेकर टाउन पेंसिल्वेनिया का रिहायशी था। वो अपनी बीवी और दो बेटों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। एडम को 2003 में अपने बाप के मरने की वजह से विरासत में $150,000 मिले थे, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2,40,00,000 बनते हैं, जिसमें से एडम ने $80,000 का घर खरीद लिया था। फिर अचानक एक दिन एडम अपने घर से गायब हो गया, काम पर गया और कभी वापस ना आया। इसकी बीवी ने काफ़ी ढूंढा, लेकिन एडम का कुछ पता नहीं चल सका। एडम की बीवी ने पुलिस में कंप्लेन करवा दी। पुलिस ने एडम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन एडम का कुछ पता नहीं चल रहा था। एडम जिंदा है या मर गया, कोई नहीं जानता था। उसकी वाइफ ने पुलिस को बताया कि वो फारिग वक्त में घर रहना पसंद करता था और एडम के ज़्यादा दोस्त यार भी नहीं थे, बस एक दोस्त था जिसका नाम स्मूथ था। जब पुलिस ने स्मूथ से इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को पता चला कि उस दिन यानी 4 अक्टूबर को एडम से मिला ही नहीं। वक्त गुजरता रहा और पुलिस ने हर तरह की कोशिश की कि एडम का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन पुलिस को कोई सुराग ना मिला। फिर स्मूथ ने बताया कि एडम अपनी बीवी बच्चों के खर्चे से तंग था, इस वजह से वो ये इलाका छोड़ने की बात करता था और यहाँ काफ़ी लोगों के पैसे देने थे और वो वेस्ट वर्जीनिया चला गया है। इस बात की तस्दीक उसकी बीवी ने भी कर दी। इस तरह ये केस बंद हो गया और ये मिस्ट्री सॉल्व ना हो सकी। 2019 में एडम की बीवी को उसके दोस्त स्मूथ पर शक हुआ, क्योंकि स्मूथ उसकी गाड़ी और घर यूज़ कर रहा था और कहता था कि एडम अपना घर और गाड़ी उसको देकर गया है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था उसके पास। आखिरकार 2019 में मिसेज एडम ने केस दोबारा ओपन करवा दिया और नए सिरे से एडम मिसिंग केस की खोज शुरू हो गई। पुलिस ने जब मिसेज एडम से पूछा कि आपको किसी पर शक है, उसने बताया कि स्मूथ की हरकत कुछ अजीबोगरीब है। पुलिस ने स्मूथ को गिरफ्तार कर लिया और इंटरोगेशन के दौरान उसने एतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि 4 सितंबर 2004 को एडम मेरे पास से काम से आया। एडम स्मूथ की जायदाद जो उसे विरासत में मिली थी उससे जलता था। उस दिन उसने मौके का फ़ायदा उठाया और बेसबॉल से सर में वार करके एडम को ज़ख्मी कर दिया। वो बेहोश हो गया था, एडम अभी मरा नहीं था। स्मूथ ने अपने हाथ से उसका गला दबा के मार दिया। स्मूथ ने उसकी लाश रेत के नीचे दबा दी। इस दौरान स्मूथ एडम की कार चलाता रहा और उसके घर में रहता था रहा। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, 15 साल बाद एडम को इंसाफ मिल गया। स्मूथ को 21 जनवरी 2020 में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।